क्या हो गया है? क्या दिख गया? क्या है? वॉलेट कहाँ? तुम्हें कैसे दिख गया? चिप्स के साथ पड़ा हुआ था। ओह शिट यार, देखना लाइसेंस लग रहा है मुझे, आधे आधे कर लो। अरे नहीं यार, फोन भी है। हेलो, थैंक यू सो मच। ये आपकी किट है? हाँ जी। ढूंढा आपने? अभी मैं यहाँ से नाला पानी गई, मैं बीच में एक जगह रुकी हुई थी मतलब सामान लेने के लिए, फिर वहाँ मुझे पता चला कि मेरा पर्स नहीं है मेरे पास। अच्छा। एकदम से कॉल्स वगैरह करना शुरू किया, मैं उस दुकान पर भी गई। अच्छा अच्छा। भैया कोई पर्स टूटा हो? कोई कह रहे नहीं मैडम यहाँ पर तो नहीं है। मुझे पहले शक हुआ, मैंने कहा शायद वो बंदा देना नहीं चाह रहा होगा, फिर क्या मैंने गलती से ना वो आगे रख दिया था पर्स, और वो एकदम से। अच्छा, वो उसमें रखा हुआ था? मैंने ना आगे जहाँ पे डोर रखा उसके पास में रखा था, सब स्लिप हो गया, पता ही नहीं चला। सो हेलो जी, वी आर बैक इन अंदर ब्लॉग भाई। सो कैसे हैं हम लोग? होप करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं बड़ा खुश हो गया, सुबह सुबह बहन के आगे हेल्प करने को मिल गया और भाई अच्छी लड़की मिल गई। मुझे उम्मीद थी कि जैसे 50-50 में मेरी लाइफ में कोई आ गया मीन्स कि अच्छे दोस्त। यार गलत मत समझना यार, वैसे भी गर्ल्स इंटर कॉलेज में है तो बातचात कर लेंगे। तुम्हें पता ही है भाई, तुम्हारा भाई बड़ा फनी है, तुम गलत मत समझा करो यार। हाँ थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ मजाक, तुम्हारे लिए करता हूँ यार। तुम ये सोचते हो भाई बड़ा फ्लर्ट कर रहा है, ये वो चीज़ें नहीं करता। बाकी अभी देखो उसकी दोबारा से फिर कॉल आ गई है मेरे पास, तो यार मैं फटाफट से निकल लूँ, देख लूँ वो है कहाँ। और मेरे को तो कॉल करी है कि मैं पहुँचने वाली हूँ, हम देखते हैं उसका क्या है, पहुँची या नहीं अब तक। सो बड़ा मज़ा आया भाई, लास्ट वाले व्लॉग में बड़ी प्यारी लड़की मिली थी, बस ऐसे ही यार एक दो और मिल जाए, ऊपर वाले एक दो और दे दे यार। मेरी किस्मत वाकई में बड़ी शानदार है, और लड़के मेरे को बोलते हैं यार सारी दुनिया की लड़की तुम्हें मिलते हैं, भाई मैं क्या करूँ, मेरी किस्मत में ये, मैं क्या करूँ है। जब मेरे को मिलती है तो मैं हेल्प कर देता हूँ, और अगर ना मिले तो तब तुम्हें भारी यार, तुम्हारे लिए तो सब चीज़ है, तुम्हारे लिए तो मैं शूट कर लेता हूँ यार। और वरना यार कल से मैं ऐसे ही घूम रहा था, कल मैं 3-4 घंटे घूमा, मेरे को कोई नहीं मिला, आज मेरे को मिल गया तो फिर मैंने हेल्प कर दी, इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो भाई अभी फटाफट से यार मैं पहुंच जाऊं, और यार नंदू को सरप्राइज़ भी कुछ देना था, बट सरप्राइज़ है ही नहीं, कुछ गिफ्ट विफ्ट मैंने उसके लिए कुछ लिया ही नहीं, तो नेक्स्ट टाइम देख लेंगे यार। अभी भी देखो यार मेरे को ऐसा पता भी नहीं है कि लड़कियों को क्या पसंद है क्या नहीं, क्योंकि मैंने आज तक गिफ्ट वगैरह कभी किसी को दिया नहीं है, तो एक बार उससे पूछूंगा उसको क्या पसंद है मतलब कुछ पहनने का, उसी से पूछ के ही दूंगा यार। ऐसे मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि देखो यार मेरे को खुद नहीं पता भाई क्या गिफ्ट देते हैं क्या नहीं। सो अभी पहुंच गए यार, देखते हैं फटाफट से आ जाए ये, और कहाँ है कहाँ नहीं, तो उसको मैं कॉल कर लूँ यार। सुबह एक्चुअली नंदू आ गई है, और वो भी नीचे अपनी स्कूटी खड़ी करने गई है। और यार सीन ये हुआ कि हम थोड़ा मतलब ऊपर तक जा रहे थे, कुछ नाश्ता वास्ता कर लेते साथ में, क्योंकि आज का बर्थडे, शाम को पार्टी है, पार्टी वार्टी करेगी भाई वो फैमिली के साथ। सो जहाँ पे वो रहती है उसकी चाबी लेके आ गई, और अपने साथ ही जिम में, और उसका भाई है वहाँ पे, तो अब उसका भाई कॉल कर रहा है कि मैं आ गया, वो जिम विम जाता होगा भाई मॉर्निंग, क्योंकि अभी 8:30 बज रहे हैं मुश्किल से। तो अब यार उसको चाबी दे के आनी है, अब बोल रही है कि तुम्हारी बाइक पे चलते हैं, जल्दी चले जाएंगे, मैं जाऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। चलो ठीक है भाई, अभी जाएंगे यार यहीं से नीचे, और बारिश भी आनी स्टार्ट हो गई यार, बड़ा सीन हो रहा है यार। नंदू तुम्हें याद है हमने यहाँ से चॉकलेट डिम्पल के साथ ली थी मैंने चॉकलेट यहाँ से? हाँ बड़ा मज़ा आया था भाई। क्या हो गया है? क्या दिख गया है? क्या है? क्या है? वॉलेट कहाँ? तुम्हें कैसे दिख गया? चिप्स के साथ पड़ा हुआ था, मेरे को तो दिखा नहीं यार। चलो मैं तुमसे बात कर रहा था, किसका है भाई, देखो चेक कर। ओ शिट यार, देखना लाइसेंस लग रहा है मुझे ये। हाँ अंजलि, ये दो एटीएम भी है, पैसे भी है। नंदू देखना कितने पैसे है? अरे पागल हो गया, कितने हैं? आधे आधे कर लो। अरे नहीं यार, फोन भी है, फोन चेक करो क्या पता, फोन देख लेते हैं एक बार करके, रख दो अच्छे से रख दो। देखना बड़ी प्यारी लग रही है यार, नजर मत लगाओ। चलो बड़ा हरामी हो बेटा। मजाक कर रहा हूँ मतलब। अरे यार यहाँ पे तो कोई है भी नहीं, ये शॉप भी बंद है आज तो। वैसे कॉल्स आई भी है इस पर लग रहा है मुझे,
देखो दिख रहा है, कॉल्स का दिख रहा है। अरे यार किसका होगा, तुम्हें कैसे दिखा है? अरे आंखें तो है, मतलब चिप्स के। अच्छा वो के साथ एक जाओ। अरे मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं, चलो जैसे भी है। बाकी वो देख लो एड्रेस, शेजधारा रोड नियर अमृत फार्म, शेजधारा नियर अमृत फार्म। तुम्हारा घर भी तो इधर ही है, तो उधर ही तो जा रहे हैं हम। हाँ तो ऐसा करो, एक काम करो, सुनो ये फोन इसमें डाल दो अगर कॉल आई। कहाँ पे ये कितने दूर है यहाँ से एड्रेस? ये पास में ही है। क्यों तुम उधर रहते हो, किसको, मेरे को पता है। और यार नंदू हद हो गई, चलो मैप पे डाल लेंगे, एक काम करते हैं पूछ लेंगे किसी से, चलो चलते हैं फिर दे देंगे। कॉल आ रही है, एक मिनट रुको। माइस हेलो, हाँ जी हेलो भैया, आपको कोई किट या फोन वगैरह मिला है? हाँ जी, हाँ जी मैम, ये सिस्टर आपकी किट पड़ी हुई थी यहाँ पे। क्या नाम है, क्या नाम है? नंदू, अरे अंजलि तो है इनका। चार दुकान पे किट पड़ी हुई थी आपकी, चार दुकान है ना यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी भैया। भैया कहाँ पे हो भैया? भैया मेरे को ना बहुत इमरजेंसी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे भैया। अरे हाँ हाँ मैं क्या करूँगा यार आपके, उसका तभी मैं तो खुद अभी हम आपके एड्रेस पे आ रहे थे। आपका लाइसेंस है ना इसमें? जी हाँ जी, मेरे डॉक्यूमेंट्स थे और उसमें एटीएम भी था। हाँ हाँ इसका इसमें शायद एक या दो एटीएम है और आपके पैसे पड़े हुए हैं। अरे नहीं नहीं मैं क्या करूँगा यार पैसों का, चाहिए इधर को, चाहिए इधर। अभी एक काम करें आप, हम वैसे आप कहाँ पे हो अभी? हाँ इस पे मैं देख रहा था, काफी कॉल्स वगैरह भी आई हुई हैं आपकी, तो आप अभी ढूंढ रहे हो उसे कि कहाँ हो? भैया मैं तो अभी ढूंढ ही रही थी, मैं तो लोना परी चौक से वापस आ रही थी, मैंने कहा पता नहीं कहीं रस्ते में ना पड़ोगी। अच्छा अच्छा एक काम करें, सुनो हम इधर की साइड आ रहे हैं, मखलों का रेस्टोरेंट पता है आपको? भैया ये जो शायद गोल चक्कर से उधर है ना। हाँ हाँ ये शेजधारा रोड जाते हुए है। जी 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 भैया, तो आप एक काम करें, आप वहीं पे आ जाएं, वहीं पे आ रहे हैं। ठीक है भैया मैं आती हूँ भैया। हाँ आप सुनो, चलो एक बार ये नंबर, एक बार नंबर नोट करा दो मैं आपको, या फिर आप आ जाओ वहीं पे, ठीक है? हाँ आप आराम से टेंशन ना लो, बेफिक्र आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अरे 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 इट्स ओके टेंशन ना लो, डोंट वरी, ये मान लो तुम्हारे घर पे पहुँच गया बस पर्स। अगर तुम्हारी भी कॉल नहीं आती तो हम तुम्हारे घर पे भेज देते, कोई दिक्कत नहीं, हम खुद दे के आ जाते हैं। थैंक यू सो मच, मैं अभी आती हूं भैया। आ जाओ ओके। नंदू पैसे के लिए बोल रही है वो, रखने के तेरे को? हाँ हाँ रखने हैं पैसे के लिए बोल रही है, अरे रख लो दू। चलो ठीक है फिर, लो ये अंदर डाल लो उसके, काम करो निकलते हैं फिर। क्या हाँ क्या लगेगी? नहीं वो बच जाएगा, वो टेंशन ना लो। तो स्कूटी लेके फिर आ जाओ, बिठा लेना उसको, या अभी बिठाएं? यार मार क्यों रहे हो, चलो यार उनका वैसे प्यारी किट दे देते हैं। ओ भाई साहब ये भी सही हुआ भाई, ये सही हाथों में पड़ गया, नंदू को दिख गया। नंदू तुम यार थैंक यू सो मच, मेरा भी ब्लॉग बन जाएगा अच्छा सा यार, कंटेंट मिल गया। तुम समझ नहीं रहे भाई, बहुत ज़्यादा होपलेस हो रही सीरियसली यार, ये तो उस फोन वाले से भी ज़्यादा होपलेस हो रही, क्योंकि यार इसमें फ़ोन भी है और सबसे बड़ी बात होती है डॉक्यूमेंट्स की, एटीएम वगैरह की। भाई अगर ये चले जाए ना तो दो मंथ्स में बनते हैं, सो फटाफट से देते हैं, उसके बाद यार चाबी वाबी उठा के फिर चलते हैं, देखते हैं यार अपना एक ब्लॉग और बन जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा यार, मिलते गए थोड़ा सा आपको। यही है ना मखलों का? सो यार अभी मखलों का पहुँच तो गए हैं, बट शायद वो आई नहीं है अभी, चलो वेट कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, वो आई नहीं शायद अभी। अरे यार हमने पिन भी तो नहीं पूछा उसका, पिन ही पूछ लेते उनको कॉल ही कर देते। अबे शिट देखना फ़ोन वन तो नहीं आ रहा कहीं, आ गई भाई शायद, मुझे यही लग रहे हैं, देखना फ़ोन। हाँ यही है। हेलो थैंक यू सो मच ये आपकी किट है? हाँ जी एक चेक कर लो पहले। थैंक यू सो मच पता है मैं अभी यहीं से गुजरी थी और पता नहीं कब कैसे कहाँ गिर गया, मैंने गलती से ना वो आगे रख दिया था पर्स और एकदम से। अच्छा वो उसमें रखा हुआ था? उसमें मैंने ना आगे जहाँ पे डोर रखा उसके पास में रखा था, कब स्लिप हो गया पता ही नहीं चला। चलो कोई नहीं, अच्छा हुआ ये सही हाथों में पड़ गया, सबसे बड़ी बात आज की डेट में ना सब
हाँ इस पे काफी कॉल्स आई हुई है, उसमें लोगो आ रहा था कॉल्स का। वही मैं बोल रहा था कि मैंने कहा डॉक्यूमेंट में ना 50 डेज लग जाते हैं कम से कम। बहुत ज्यादा, और मेरा फिर ड्राइविंग लाइसेंस और एटीएम वगैरह, मेरे को भी ना पेमेंट भी करनी थी। अच्छा अच्छा, मैं इतनी परेशान हो गई थी। तो थैंक यू सो मच। तो अभी कहाँ कहाँ ढूंढा आपने? अभी मैंने मैं यहाँ से नाला पानी गई, मैं बीच में एक जगह रुकी भी थी मतलब सामान लेने के लिए, फिर वहाँ मुझे पता चला कि मेरा पर्स नहीं है मेरे पास। अच्छा, मैंने एकदम से कॉल्स वगैरह करना शुरू किया। मैं उस दुकान पर भी गई। अच्छा अच्छा, भैया कोई पर्स छूटा हो? कोई कह रहे नहीं मैडम यहाँ पर तो नहीं है। मुझे पहले शक हुआ, मैंने कहा शायद वो बंदा देना नहीं चाह रहा होगा। अच्छा अच्छा, उसमें डॉक्यूमेंट से सब कुछ था, तो मैंने बोला मेरे को भगवान। हाँ इस पे वो तो आपकी कॉल्स भी एकदम आ गई, वरना फिर हम ना इसमें एड्रेस था आपका, प्रॉपर एड्रेस था तो लाइसेंस में लिखा हुआ है, तो हम फिर वहीं पे जा रहे थे, देन आपकी कॉल आ गई। बहुत ज्यादा मैंने कहा यार आज तो सब कुछ चला गया, मैंने कहा ऐसा लगा। नहीं नहीं तो okay, बाकी नेम क्या है आपका? मेरा नाम अंजलि है। अच्छा हाँ, वैसे हमने उसमें देख लिया था लाइसेंस में। चलो ठीक है, एक आपसे भी थोड़ी सी हेल्प चाहिए एक्चुअली। मेरा एक यूट्यूब चैनल है, अगर आपने शायद ध्यान ही दिया हो, कैमरा लगा हुआ है। सो मैं हरिद्वार से हूँ, वैसे देहरादून आता रहता हूँ, व्लॉग वगैरह बनाता हूँ। सो हम व्लॉग शूट ही कर रहे थे, हम मतलब कुछ काम से जा रहे थे हम भी शेजदारा, तो देन आपका ये इनको ही दिखा, मेरे को नहीं दिखा है ये, इनको थैंक यू बोलो। सो इनको ही दिखा, इनको दिखने के बाद इन्होंने मेरे को बोला रुक जाओ, देन आपका कॉल बोल आया। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थोड़ा जो आपके फ्रेंड वरेंड होंगे, आप वैसे करते क्या हो? मैं तो जॉब करती हूँ नॉर्मली सैलून में ना, तो मैं को जाना भी था अभी मतलब सैलून काम। अच्छा अच्छा, तो फिर मेरे को एकदम से ध्यान आया कि मुझे काम था इस साइड पे। हाँ हाँ, तो घर वालों ने कुछ काम बताया तो मैं पर्स लेकर ही चली गई। मैंने कहा अच्छा अच्छा, काम भी अब मैंने कहा अपना भी कर लूंगी और मैंने कहा घर वालों। अच्छा अच्छा, तो उस वजह से पर्स लेकर आई तो चलो कोई नहीं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। आशु यूके राइडर के नाम से मेरा चैनल है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में कर देती हूं। ओके ओके, थैंक यू सो मच सो मच। अरे इट्स ओके ओके। सो चले नंदू। सो गाइज पर्स दे दिया है, बड़ी हैप्पीनेस मिल गई। सो यार मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। सो गाइज अभी की भी देके आ गए हैं और थोड़ा बारिश भी हल्की हो गई, आप देख सकते हो बारिश थोड़ी थोड़ी, कोई कोई बूंदे पड़ रही है। बट यार सीरियसली बताऊँ, यहाँ का बहुत गंदा सीन है यार देहरादून का। अभी पता है आईएसबीटी साइड कुछ भी बारिश नहीं थी और यहाँ पे इतनी एकदम लेवल की बारिश आ गई। सो भाई अभी ये स्कूटी आ जाए निकल के, और एक आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, एक अच्छे से व्लॉग बना लेंगे और आपके लिए। सो मिलते हैं यार गाइस आपको एक अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय।